हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गायत्री मेकर। आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया से हेयर कट लेकर के आई हूँ। वैसे तो आप लोगों को सारे हेयर कट्स जब हम लोग सिखाते हैं तो लगता है कि सारे एक जैसे हैं, बट आज मैं कुछ आपको इस वीडियो में डिफरेंस बताने वाली हूँ। इस वीडियो में डिफरेंट ये है कि जब मैं हेयर कट करती हूँ तो गाइडलाइन हमेशा नीचे से बनाती हूँ। पहले वाटर स्प्रे करेंगे और सबसे पहले नीचे से गाइडलाइन लेंगे कि हमें लेंथ कितनी रखनी है। बट इसमें डिफरेंट ये है कि मैं गाइडलाइन आज ऊपर से क्रिएट करूंगी। आप लोग जैसा कि देख रहे हो, सबसे पहले मैंने पार्टीशन कर लिया है। पार्टीशन करने के बाद जो मैंने सेक्शन बॉक्स होता है ऊपर, वहाँ पे एक डायमंड शेप में सेक्शन किया है और उसमें से जो गाइडलाइन है वो क्रिएट कर लिया है। अब उसके हिसाब से मैं पूरा का पूरा हेयर कट करूंगी। तो जो ये उन लोगों के लिए है हेयर कट जिसे अपने बालों में स्टेप्स भी चाहिए, लेयरिंग भी चाहिए और लेंथ भी ज़्यादा कम ना हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स सेक्शन लेंगे डायमंड शेप में। उसे थोड़ा सा कट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस जो लेंथ होती है 1-2 इंच की, जो हल्के बाल होते हैं बस वही निकालने हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग मैंने हाफ हाफ बाल दोनों साइड ले लिए। अब यहाँ पर जो मैंने सबसे ऊपर गाइडलाइन बनाई थी उसी को फॉलो करते हम लोग सारे जो है बाल नीचे के उसी लेयरिंग में उसी के बराबर करके कट कर देंगे। अब आप दूसरी तरफ देखिएगा, सेम मैं बिल्कुल सेम प्रोसीजर दूसरी साइड करूंगी। मैंने वहीं से ऊपर से थोड़े से बाल लिए जो कि मैंने स्टार्टिंग में कट किया था बॉक्स, वो डायमंड बॉक्स में से जो कट किया था वो, और उसी के हिसाब से मैं 180 पर अपने बालों को उठा करके कट करूंगी। जितना हमारा एक्स्ट्रा बाल होगा वही कटेगा, या आप लोगों को छोटे बाल दिख रहे होंगे इसके हिसाब से। गाइडलाइन का मतलब होता है जो हमने स्टार्टिंग में जो कट किया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बाल काटेंगे, उससे ना छोटे होने चाहिए ना उससे बड़े, उसी को फॉलो करते हुए। गाइडलाइन इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें वो हेल्प करे कटिंग करने में। तो अब जो भी हमारी गाइडलाइन बनती जा रही है ऊपर से, उसी के थोड़े से बाल नीचे के बालों में मिक्स करते जाएंगे और जितना बाल हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर देंगे। फाइनली हम सारे बालों को ऊपर लेकर के जाएंगे और उसे फिर से चेक करेंगे कि कोई बाल जो है हमारा छोटा बड़ा तो नहीं रह गया। अब उसी के हिसाब से जो हमने कट कर दिया है, अब हमारा यहाँ पर जो है पीछे के बाल हो गए हैं, स्टेप्स भी आ गए हैं, लेयरिंग हम लोग बाद में डालेंगे। स्टेप्स का मतलब होता है बालों में पीछे जो स्टेप डालते हैं वो, और लेयरिंग होती है जो हमारा जो फ्रंट पर हम बाल लेकर के आते हैं जो सारे एक दूसरे से बड़े होते हैं, वो लेयरिंग होती है जो हम फ्रंट से देखते हैं, और पीछे के बालों में जो हम लोग डालते हैं वो होते हैं हमारे स्टेप्स। तो अब मैंने यहाँ पर जो है पीछे से ही बाल लिए हैं थोड़े से, जो मैंने डायमंड बॉक्स का कट किया था, और उसी को सेक्शन बॉक्स ये बॉक्स एरिया पर जो है ला करके कट किया है। उसके बाद जो है उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए साइड के बालों का भी सेंटर पार्टिंग करेंगे और दोनों साइड हमारी जो गाइडलाइन हमने पीछे से ली है उसी को फॉलो करेंगे। देखिए मैंने पीछे से भी बाल ले लिए हैं और फ्रंट के सारे बालों को सेंटर पार्टिंग करके आधे उधर और आधे इधर से, अगर कोई बाल हमें बड़ा बड़ा लगता है तो उसे कट कर देंगे। अब जो लेयरिंग हमें डालनी है अब हम डालेंगे, अभी हमारे स्टेप्स हो गए हैं, लेयरिंग अब करेंगे। लेयरिंग करने का क्या तरीका है, वही बालों को हाफ हाफ करके जो है आप सामने से ले आइए, जैसे लेयर लॉन्ग लेयर कट कर लॉन्ग लेयर कट करते हैं उसी तरीके से। तो इसमें हमें एक नई गाइडलाइन क्रिएट करनी है जो कि हम फ्रंट से करेंगे। उसमें हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमें फ्रंट वाले बालों की जो है लेंथ कितनी रखनी है, क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग पूछ लेंगे कि उन्हें शॉर्ट चाहिए कि या फिर लॉन्ग चाहिए, उसके हिसाब से नोज तक भी करते हैं, लिप्स तक या फिर चिन तक। तो थोड़े से लंबे चाहिए थे इनको, ये देखिए यहाँ पर चिन तक हमने कट कर लिया है, और कट करने के बाद जो है इसी को फॉलो करते हम लोग लेयरिंग कट करेंगे। अब तो इनका मतलब यह है कि जब हम स्टार्टिंग से करते हैं तो आधे बाल हम फिर दोनों साइड में मिक्स कर लेंगे, आधे इधर और आधे दूसरी साइड सेंटर पार्टिंग करके। अब मैंने उधर के बाल जो है ले लिए, ये पूरा कट सिमरन ने किया है, बट एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ क्योंकि मेथड हमारा दोनों का सेम है, हम दोनों करते हैं कटिंग, तो हेयर कट उसने किया था, एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमने गाइडलाइन बनाई है फ्रंट से उसी को फॉलो करेंगे, सामने बिल्कुल सामने लेकर के आएंगे बालों को, और अगर एक दूसरे से जो है छोटा बड़ा है इसमें छोटे बड़े कटते हैं, लेयरिंग मतलब तिरछा कट करेंगे। तो इसी तरीके से फॉलो करते हैं, दोनों तरफ का फाइनल लुक देंगे, यानी कि लेयरिंग हम बिल्कुल सामने ला करके करेंगे। इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे फाइनल लुक जो आने वाला है वो आएगा हमारा पीछे से, जब हम बालों को पीछे करेंगे तो वी शेप में आएगा, क्योंकि बालों को हम फ्रंट पर लाकर जब हम काटते हैं तो पीछे लेकर के जाएंगे तो वो हमारा वी शेप ही बन जाएगा। हमें यहाँ पर अलग से कोई वी शेप करने की जरूरत नहीं है बालों में, कि वी शेप करने के लिए हमें कुछ और करना होता है, क्योंकि हम बालों को फ्रंट पे ला करके काट रहे हैं, बिल्कुल नोज के सामने ला के काट रहे हैं,
उसके जब हम इन बालों को पीछे ले करके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली वी शेप में कट निकलेगा। तो आप इस तरीके की वीडियो काफ़ी सारी मैंने हेयर कट के अपने चैनल पर डाली हुई है, आप लोग वो भी चेक जरूर करना। बहुत अच्छे अच्छे और इजी मेथड में मैं आपको हेयर कट्स बताती हूँ, मेकअप का, और बहुत सारी वीडियोस में डालती हूँ अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आता या फिर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो ये देखिएगा, हमारा जो है फ्रंट से करेंगे तो हमारी लेयरिंग दिखाई देंगी और बैक में करेंगे तो हमारी लेयरिंग विद स्टेप वी शेप दिखाई देगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी, जिन लोगों को हेयर कट करने में या फिर सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, बच्चे हैं, या हेयर कट्स में प्रॉब्लम आती है, वो वहाँ पर आप शेयर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।